गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, गुलशन कुमार की हत्या किसके द्वारा की गई और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुलशन कुमार की हत्या के मेन कारण क्या थे और उनके हथियारे कौन थे और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। दोस्तों जो भी इस वीडियो में मास्टरमाइंड बताया गया है या जिनके द्वारे हत्या की बात कही गई है उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। वीडियो में जो भी तथ्य बताए गए हैं उन तथ्यों के आधार पर ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। दोस्तों इस कंटेंट का क्रिएटर है ये, उसके निजी विचार हैं या निजी विचार हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए कि गुलशन कुमार की हत्या क्यों, कब और कैसे की गई, जो कि टी सीरीज जो कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक ग्रुप है उसके मालिक थे। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के एंड में एक बार तफसीली बातचीत करेंगे। 12 अगस्त 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि न्यूज में ये खबर देखने के बाद एक बार के लिए तो बॉलीवुड वालों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। चलो 3D एनिमेशन की मदद से समझो। ये वो मंदिर था जिसमें फेमस टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार सुबह 10 बजे पूजा करने पहुंचे थे, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि मंदिर के जस्ट साइड में ये जो धूप छाया अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट के जस्ट सामने एक नाई की दुकान थी और उस दुकान पर ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए 3 गैंगस्टर्स मौजूद थे। खैर 15 मिनट बाद 10:15 बजे मंदिर से बाहर आकर गुलशन कुमार साइड वाले धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क्ड अपनी गाड़ी की ओर भिड़ने लगे। वैसे ही तीनों में से एक शूटर ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक रखी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। इसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर्स ने वहां पर जो मौत का तांडव किया वो 3D एनिमेशन की मदद से देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले कुछ मिनटों में इन तीनों ने 16 गोलियां गुलशन कुमार में दाग दी और पूरी दुनिया को बस एक सवाल के साथ टूटा हुआ छोड़ दिया। सवाल बस इतना सा कि आखिर गुलशन कुमार को डॉन दाऊद इब्राहिम ने क्यों मरवाया। 3D एनिमेशन की मदद से आज गुलशन कुमार की पूरी कहानी तो समझेंगे ही, लेकिन उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि आपको ऐसा फील होगा कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के साथ हुए सभी इंसिडेंट्स के दौरान आप वहां पर खुद मौजूद थे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात 1951 की है। दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही गुलशन कुमार अपने पापा की जूस शॉप पर काम करके उनका हाथ बटाने लगे थे। गुलशन कुमार कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सपोर्ट करना है। इसलिए गुलशन कुमार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही एक कैसेट शॉप खोली जिसमें वो दूसरी कंपनीज के गाने बेचते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक म्यूजिक कंपनी बनाई जिसमें वो खुद के गाने बेचते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस मेहनती बंदे ने उस बिजनेस को इस लेवल पर एक्सपेंड कर दिया कि वो बिल्डिंग पूरे नोएडा की सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग बनी। एक बात तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अम्बे के अल्टीमेट भक्त थे। इनफैक्ट 1983 में जब गुलशन कुमार ने कंपनी को टी सीरीज नाम दिया था तो टी सीरीज में टी का मतलब भी त्रिशूल ही था। इससे पहले कि हम गुलशन कुमार के हत्या वाले दिन की बात करें, एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि गुलशन कुमार बहुत ही गोल्डन नेचर के व्यक्ति थे। वो हमेशा नए लोगों को मौका देते थे, जैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण। ये नदीम श्रवण का जो डुओ है इसमें ये जो नदीम सैफी है इसको ध्यान से देख लो और दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। रिपोर्टेडली ऐसा बोला जाता है कि इसने ही गुलशन कुमार को मरवाया था। आगे देखेंगे कैसे। गुलशन कुमार अपने कल्चर को काफी फॉलो करते थे और अलग अलग मंदिरों में डोनेशन भी किया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में भंडारा भी स्टार्ट करवाया था जो आज भी उन्हीं के नाम से होता है। गुलशन कुमार इतने सॉफ्ट हार्टेड थे कि पिंजरे में बंद बर्ड्स को खरीद कर उड़ा देते थे। रास्ते में कोई जानवर मर जाता था तो उसकी बॉडी को खुद दफनाते थे। ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती ना कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी दूसरों का भला किया गैंगस्टर्स ने मिलके उसी को मार दिया। अगले 2 मिनट इस वीडियो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से एक बार समझ लो कि गुलशन कुमार की हत्या का 1990 में रिलीज हुई आशिकी मूवी से क्या कनेक्शन है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण है। टी सीरीज ने फिल्म आशिकी के गाने कंपोज करने का मौका दिया एक उभरती हुई जोड़ी को जो थी ये नदीम श्रवण की। इस मूवी के गानों की 20 मिलियन कॉपीज बिकी और इस सफलता की वजह से टी सीरीज के सारे गानों में ऑलमोस्ट नदीम श्रवण का ही म्यूजिक चलता था। बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर बनने के बाद नदीम ने गाना गाने की भी सोची। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो अच्छे थे पर गाने के मामले में उनका हाथ थोड़ा तंग था। इनफैक्ट गुलशन कुमार ने नदीम को सलाह भी दी कि तुम गाना मत गाओ, पर वो माने नहीं। दोस्ती की वजह से गुलशन कुमार नदीम के कुछ गाने जैसे हाय अजनबी प्रमोट करने के लिए रेडी हो गए। जैसा कि गुलशन कुमार को लगा था इन गानों पर कोई खास रिस्पांस नहीं आया और एल्बम पिट गई। जब कंपनी को काफी बड़ा
बड़ा लॉस होने लगा तो गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना एकदम बंद कर दिया। मोरओवर टी सीरीज मिड 90s आते आते इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडिया में रिलीज होने वाले टोटल गानों में से 65% सॉन्ग्स के राइट्स टी सीरीज के पास ही थे। अगर टी सीरीज उस समय किसी के एल्बम के राइट्स नहीं खरीदता था तो उसके चलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते थे। नदीम को ये बात खटक गई कि ना तो गुलशन कुमार उसे काम दे रहे थे और ना ही उसके गाने प्रमोट कर रहे थे। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने गुलशन कुमार को जान से मरवाने की सोची। और दिल दहला देने वाली बात ये है कि गुलशन कुमार को मरवाने के लिए नदीम ने सुपारी भी दी तो किसको? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये दाऊद इब्राहिम है दुनिया का सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन। इसी धंधे में इसका भरपूर साथ देने वाला ये इसका भाई है अनीस इब्राहिम। उसके अलावा ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड और बॉलीवुड का डॉन है ये अबू सलीम। मई 1997 में दुबई के एक होटल में गुलशन कुमार को मारने के लिए एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में म्यूजिक डायरेक्टर नदीम, दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद के राइट हैंड अबू सलीम गुलशन कुमार के मौत की तारीख लिख रहे थे। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है और वो दोनों उसकी हेल्प करें। अबू सलीम ने 25 लाख टोकन मनी लेकर गुलशन कुमार का पत्ता साफ करने की बात कही। अबू सलीम को ये फायदे का सौदा लगा क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार को मारकर अंडरवर्ल्ड में और ज्यादा मशहूर होना चाहता था। अबू सलीम गुलशन कुमार की लाइफ के लास्ट चैप्टर की प्लानिंग एकदम फुल प्रूफ करना चाहता था। इसके लिए उसने गुलशन कुमार के हर दिन के हर मिनट की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। गुलशन कुमार कब खाना खाता है, कब जागता है और यहाँ तक कि कब टॉयलेट जाता है। ध्यान रहे कि ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये सारी बातें एज इट इज इस बुक में लिखी हुई हैं, जिस बुक का नाम है माई नेम इज अबू सलीम। ये बुक उस समय के बहुत ही फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने लिखी थी। खैर, अबू सलीम एक साइकोपैथ की तरह गुलशन कुमार को 5 अगस्त 1997 को पहली बार कॉल करता है। शॉकिंगली उस कॉल में वो 10 खोका यानी कि 10 करोड़ की फिरौती मांगता है। साथ ही ये भी पूछता है कि वो नदीम के गाने प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है। जनरली ऐसे ब्लैकमेल कॉल्स को लोग पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत अजीब बात है कि ये बात गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाई कि भाई पुलिस को बता दे, फिर भी गुलशन कुमार ने ये 10 करोड़ की फिरौती वाली बात पुलिस को नहीं बताई। 9 अगस्त को फिर से अबू सलीम का कॉल आया और फिर से फिरौती मांगने पर गुलशन कुमार ने कहा, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। क्योंकि गुलशन कुमार इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से डर नहीं रहे थे, इसलिए अबू सलीम का ईगो हर्ट हो गया और ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात बनी। गुलशन कुमार के पूरे शेड्यूल को सही से एनालाइज करने के बाद अबू सलीम ने वो मौका ढूंढ ही लिया जब वो अपने काम को अंजाम दे सकता था। और उस मौके के बारे में हम बात करें, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन को भी अच्छे से समझ लो। ये है गुलशन कुमार का घर जो कि मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में है ये जीतेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ गुलशन कुमार रोज पूजा करने जाते थे। और मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है ये कूपर हॉस्पिटल, जहाँ गोलियां लगने के बाद गुलशन कुमार को ले जाया गया। अब आपने लोकेशंस को सही से समझ लिया है तो इस केस को समझने में और भी मजा आएगा। जिस मौके की हम बात कर रहे थे वो मौका था गुलशन कुमार का काम पर जाने से पहले अंधेरी के इस जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाना। मंदिर की लोकेशन और माहौल अबू सलीम के शूटर्स को हत्या करने के बाद भाग जाने के लिए इजी लग रहा था। आप लोगों के सामने डेट्स को लेकर क्लैरिटी भी मैं अभी से ही रखना चाहता हूँ। गुलशन कुमार के पास पहली धमकी का कॉल 5 अगस्त 1997 को आया था, दूसरी धमकी का कॉल 9 अगस्त 1997 को आया था और फाइनल अटैक आज के दिन यानी 12 अगस्त 1997 को हुआ था। खैर, फाइनली आज 12 अगस्त 1997 को दिन है मंगलवार का और किसी आम दिन की तरह ही गुलशन कुमार अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने व्हाइट कुर्ता और व्हाइट चप्पल पहनी है। घर से मंदिर जाने के लिए गुलशन कुमार अपनी मरून कलर की मारुति एस्टीम में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ निकलते हैं। उनकी गाड़ी सुबह 10 बजे जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर आकर रुकती है। हमेशा की तरह उनका ड्राइवर कार को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और गुलशन कुमार गाड़ी से उतरकर मंदिर में जाने लगते हैं। जैसे ही 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं तो उनका ड्राइवर रूपलाल उनसे रोज की तरह ही पूजा की थाली ले लेता है। इससे पहले कि गुलशन कुमार पर हमला हो, 3D एनिमेशन की मदद से आप अच्छे से समझ लो कि गुलशन कुमार इस मंदिर में गए थे। इसके जस्ट साइड में ये धूप छाया अपार्टमेंट है, उसके जस्ट सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, उसके बाद रोड को क्रॉस करके यहाँ अपार्टमेंट के सामने देखो, इधर ये नाई की दुकान है जिसमें तीनों शूटर्स बैठकर गुलशन कुमार के मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों ही अबू सलीम के बंदे हैं जिनको गुलशन कुमार को मारने का काम सौंपा गया था। इन तीनों में से ये वाला है अब्दुल रौफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, ये वाला है अब्दुल राशिद और तीसरा वाला है अनिल शर्मा। जस्ट अभी आपने नोटिस किया कि 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी हार्ड कॉन्सेप्ट या इंसिडेंट को समझना कितना इजी है। अगर आप भी ऐसी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी के अभी ज्वाइन करो। 3D कोर्स एडमिशन फीस पर ह्यूज डिस्काउंट के लिए पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को क्लिक करो। खैर, जैसे ही गुलशन कुमार अपनी कार के पास पहुंचे, उनके पीछे से अब्दुल रौफ ने उनकी कनपट्टी पर गन तानी और बोला,
बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। जितनी देर में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, एक गोली चली और उनके सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में छुपने के लिए भागते हैं, पर उनका पैर वहीं स्लिप हो जाता है। पैर स्लिप होते ही अब्दुल रौफ उन पर 3 गोलियां और चला देता है जो उनकी पीठ में लगती हैं। 3 गोलियां लगने के बाद और बुरी तरह घायल होने के बाद भी गुलशन कुमार अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल रौफ भी उनके पीछे पीछे अपने शिकार को फॉलो करते हुए चल रहा है। गुलशन कुमार दीवार का सपोर्ट लेकर उठने का ट्राई करते हैं, पर वहीं गिर जाते हैं। ड्राइवर रूपलाल गुलशन कुमार की मदद करने के लिए आगे आता है और कलश उठाकर अब्दुल रौफ पर फेंकता है। अब्दुल रौफ रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार देता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है, 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार पास के घरों में हाथ जोड़कर मदद मांगते हैं, पर लोग उन्हें देखकर अपने गेट्स बंद कर देते हैं। एक मूवी की सीन की तरह, जहां गुलशन कुमार पर अब्दुल रौफ, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा ने 12 गोलियां और चलाई, वहां ऊपर देवी माँ की फोटो लगी हुई थी। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, आज उसी के पास उनका अंत इस भयंकर तरह से हो रहा था। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जब तक ये मर्डर सीन चल रहा था, तब तक अबू सलेम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। एट द एंड अब्दुल रौफ ने पास ही खड़ी टैक्सी में से ड्राइवर को बालों से खींचते हुए निकाला। वो लोग खुद उस टैक्सी में बैठे और तीनों शूटर्स वहां से वर्सोवा लिंक रोड की तरफ भाग गए। इतने सब हत्याकांड के बाद दो लोग मदद करने के लिए सामने आए, मंदिर का पुजारी रामचंद्र लवांगरे और राजेश जौहरी। गुलशन कुमार और ड्राइवर को उन्हीं की कार में लिटाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, पर गोलियां बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर लगी थी और लाख कोशिशों के बाद भी गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन ही गुलशन कुमार की बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए दिल्ली ले जाया गया। गुलशन कुमार की मौत से पूरा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही शॉक में था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रिपोर्टेडली महाराष्ट्र के DGP राकेश मारिया को इस मर्डर की इन्फॉर्मेशन पहले ही अपने खबरी से मिल चुकी थी, फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया गया और ना ही इस हत्याकांड को रोका जा सका। तो क्या ये माना जा सकता है कि पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी? खैर, जिस इंसान ने इतने तगड़े तगड़े हिट भक्ति भजन भारत को दिए हो, जिसने टी सीरीज नाम का पूरा एक एम्पायर खड़ा किया हो, उसकी हत्या उस समय पूरे भारत और बॉलीवुड के लिए सुपर शॉकिंग थी। लेकिन सवाल ये है कि इन 6 के 6 हत्यारों का उसके बाद क्या हुआ? तो इनमें से अब्दुल रौफ को 2001 में कोलकाता में अरेस्ट किया गया। 2001 में ही पहला ट्रायल हुआ जिसमें 19 लोगों पर इस मर्डर के चार्जेस लगाए गए। अब्दुल रौफ को उम्र कैद की सजा हुई और बाकी सबको प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। बात अगर म्यूजिक डायरेक्टर सैफी की करें तो वो मर्डर के जस्ट बाद ही देश छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिन 19 लोगों पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए, उनमें से एक नाम टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तौरानी का भी है, रिपोर्टेडली जिन्होंने टी सीरीज को बर्बाद करने के लिए गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। मोरओवर कुछ लोगों का कहना है कि गुलशन कुमार हिंदू कल्चर को प्रमोट करते थे, इसलिए ऐसा सब हुआ है, पर ये प्रूव नहीं हो पाया है। एट द वेरी एंड इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड अबू सलेम को पोर्चुगल से अरेस्ट किया था और वो अभी भी जेल नहीं है। काफी इंटरव्यूज में नदीम सैफी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए साफ साफ कहा है कि उसका गुलशन कुमार के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। आज उसको खुलासा मैं करना चाहता हूँ कि मैं कभी ना भागा हूँ और ना मैं कोई ऐसी कोई जुर्म किया जिसके लिए मुझे इस तरह की जो है वो सजा मिलने की। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके ध्यान से समझो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को ऐसी कौन सी रेयर डिजीज है जिससे उसको डेडली कैंसर होने के और उसकी जान जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देख ली होगी और आपको एनिमेशन के थ्रू जो भी चीजें बताई गई हैं उसमें जो ये मर्डर हुआ है, ये हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड को अच्छे से समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि एनिमेशन के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई गई हैं, कहाँ पे किस समय कब गुलशन कुमार जी की हत्या की गई है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।